और उनको किस तरीके से इंजीनियरिंग मेडिकल पे किए तो उसके लिए फिर बिदर वाले जो है आपसे भी मैंने बात कराई उस युवा वक्त तो कादरी साहब ने कहा कि फॉर अजमेर शरीफ वी आर रेडी टू प्रोवाइड ऑल काइंड ऑफ सर्विसेज बियर द एक्सपेंसेस और हां फिर इनको आपको उनकी तरफ लोग उस पे आगे बढ़ चुके हैं यहां आपका बोल आ चाहिए आज यहां डिस्कशन नहीं पाया था ये मैंने फॉरन प्रपोजल भी मंगा के उनसे एक फॉरवर्ड कर दिया ओनली डिस्कस एक मदरसे को जला दिया मैंने वहां से अच्छा हां वो क्वालिटी जो जैसे हम लोगों ने तरह अभी पढ़ी उस पंजाब में तो अब जब हम सीखे तो हम ही मतलब एक दो जगह पे जबकि हमको यूज नहीं किए लेकिन इतना तो अच्छा लेवल नहीं था तो जगह में ठीक करने की जरूरत है यानी कि हम बेस्ट मंगाए और उसको जो है तो एक महीने का आपको थोड़ी पैसा लेगा वो ऐसी गद्दी है वो तो हमारा स्कूल एग्री करे कि हम टॉप का हाफिज लाएंगे डिसाइड करेंगे नाम सैयद शाहिद हुसैन रिजवी है आज दरगाह कमेटी की मीटिंग जिसमें सब सम्मति से मुझे चेयरमैन चुना गया है और मैं शुक्रगुजार हूँ दरगाह के मेंबरों ने का और हमारे जो माननीय मंत्री जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब हैं उन्होंने हमारे ऊपर पूरा एतमाद दिखाया है इंशाल्लाह हम उनके जो उन्होंने एतमाद दिखाया उस भरोसे को पूरा करने की कोशिश करेंगे और दरगाह के कामों में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेंगे और जो काम चार साल में हुए हैं उनको आगे बढ़ाएंगे और नए काम करेंगे स्पेसिफिकली हमारा फोकस होगा इस साल कि हम दरगाह में ज़ायरीन को ज़्यादा से ज़्यादा और क्या सहूलतें प्रोवाइड कर सकते हैं वहाँ पे सफाई सुथराई का कितना इंतज़ाम कर सकते हैं दरगाह की प्रॉपर्टी को किस तरह बेहतर तरीके से डेवलप कर सकते हैं ये हमारा एक साल का पूरा एजेंडा होगा और इंशाल्लाह अज़ीज़ हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह कमेटी का दोबारा से नायब सदर डिप्टी चेयरमैन चुना गया है तो मैं सभी मेम्बरान का और माननीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और ये गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की जो हमें खिदमत मिली है और जो हमारे चार साल से बचे हुए काम रह गए थे उसको हम इंशाल्लाह पूरा जल्द से जल्द करेंगे आपका नाम बताओ मुनव्वर खान